चेस की बात तो करेंगे ही नहीं हम। मैं जा रहा हूं। नहीं करता चेस की बात। हर बारी हर एवरी टाइम यू कम ऑन सम शो पहला क्वेश्चन मुझे चेस का होता है ना। आपको चेस से क्या मिला? मैं कुछ नहीं मिला, मैं अच्छी लाइफ मिली क्रिकेट में आगे और कुछ नहीं मिला। नहीं, मेरे पास है ना अच्छा आंसर इसके लिए। अगली बार को पूछेगा ना आपको चेस से क्या मिला, एक रानी मिली थी अब वो भी कट गई, वो भी चली गई, वही ढूंढ रहे। You started practicing खेतों में only, no? जब मैं जीन में था तो हमारा एक खेत है, मतलब डेढ़ एकड़ आई थिंक, दो एकड़ जो भी, तो उसके इधर एक जगह था, तो डैड ने वहाँ पे विकेट बनाया, एक सीमेंटेड बनाया और एक ट्रफ बनाया। उससे मुझे बहुत हेल्प मिला, बैटिंग की और अपना बॉलिंग करी जितना मुझे करना है। पर अच्छा बैटिंग भी की भैया, अंडर 19 में मतलब हजार रन है यार, 100 भी बनाया यार, 100 भी बनाया है यार, चांस नहीं दे रहे। हरियाणा वाज लाइक 94-7, चांस नहीं दे रहे यहां पे, 135 चांस नहीं दे रहे यहां पे। अब क्या करें, विराट भी वगैरह ये भी वगैरह, चांस तभी दिखेंगे ना, मतलब सब कुछ मैं ही करूं क्या? ऑल्सो जब ए बी बॉल ग्राउंड के बाहर मार देता है तो फिर फर्स्ट स्टैंड वाला छक्का थोड़ा कम लगता है ना फिर। मेरा उससे ज्यादा दूर जाता है, ए बी सर ने 111 मारा है, मेरा 115 है, आराम से मैं खा सकता हूँ। कह रहे क्या कहना, मैं खा सकता हूँ भाई, मार खा सकता हूँ इतना लंबा। पर यू चिन्नास्वामी में बॉलर बनना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग टू बी ए बॉलर इन चिन्नास्वामी। छक्के लगते हैं, मतलब बैट्समैन को कहता हूं मैं, तू मुझे चौके मार के दिखा दे इस ग्राउंड में। छक्के तू मार देगा, मुझे चौके मार के दिखा तो मैं मानूंगा तू बैट्समैन है। हां, मेरे में क्या है कि विराट भी बोलते हैं भाई 6 छक्के खाएगा ना, सातवां तो नहीं खाएगा उस ओवर में, नो बॉल विद फेंक यू बस। मैं कहा ठीक है, तो उन्होंने बोले तेरे ऊपर डाल अपना बिंदास हो गया, तो एक प्रेशर हट गया, तो मैं दूसरी चीजें सोच सकता हूं। क्रिकेट का शौक आया कब या कब पता चला पहले के जब मैं फिरकी मार सकता हूं? मैं 5-6 साल का था, तो पापा वाइस प्रेसिडेंट है हरियाणा के, और सेलेक्टर भी थे, तो मतलब लोग आते थे, मतलब जैसे नेक्स्ट डे मैच है तो पापा के हमारे घर पे आके नेक्स्ट डे का वो बनता था टीम, तो वो लोग क्रॉस ट्रेनिंग में जाते थे, मतलब कि सुबह 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो मैं इंटर से एक बन गया कि मतलब पापा ने बोला ठीक है इनके साथ जाना स्टार्ट कर दे। तो सुबह मैं अगर 5 बजे जाना है, मैं 4:30 बजे रेडी हो जाता, तैयार हो गया ऐसे करके बैठा हूँ कि कौन लेने आ रहा है। तो 7 किलोमीटर तक मैं जाता था उस टाइम भी, मतलब लाइक वॉक कर रहा हूँ वापस आते चल के वो भागते थे, मैं एक भैया कितने उठा लिया करके, लेकिन आते वक्त 7 किलोमीटर कोई ना कोई मुझे अपने कंधों पे बिठा के वापस आ रहा होता था। 2-3 बार गधों भी बैठा हूँ, गधे जा रहे होते हैं ना कि बिठा दिया कि भाई इसे पीछे वाले ले लेंगे, तो मतलब वहां से एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। Your father was there and you were in the under 19. Yeah, was he more strict on you or was he easy? So ज़्यादा थे ना कि बाकी लड़कों के साथ एक और with you even more. बाकी लड़कों के साथ chill out. हाँ. हंसी मजाक है नॉल. मेरे साथ तो मतलब मैं बॉस हूँ. ये बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे होता है ना कभी कभी कई बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में आते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं टीचर. उन ज़्यादा प्रेशर होता है उनपे. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 8:30 बजे पहुंच जाता रूम में. अब मेरा मानना है कि चलो 10 बजे यार मतलब बैठ जाऊंगा करके, मतलब एक प्रेशर होता है, मतलब खुद तो सो रहे हैं खराटे मार रहे हैं, अब नींद आ नहीं रही और खराटे संभालू या अपनी नींद संभालू, मतलब एक बार होता था मतलब लिटरली आई लाइक होल्डिंग माय पिलो लाइक दिस, प्लीज सुबह हो जाए, प्लीज सुबह हो जाए, और डैड को बोलना पड़ता, डैड खराटे मारता था, हाँ ठीक है 2 मिनट बाद फिर स्टार्ट, उससे भी भयंकर भाई आज तो ये टूर ना 1 महीने का बहुत ही खतरनाक होने वाला है। But who are you closer to, your dad? I'm very closer to my mom. Yeah. She's very emotional. तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो मतलब मुझे खुद बुरा लगने लग जाता है। मम्मा इज वेरी इमोशनल, कुछ बोला गंगा जमना स्टार्ट। तो उसमें ऐसा लगता है कि मतलब क्या बोलूं, डैड को एटलीस्ट आई कैन से डैड भी हुआ है। हाउ आर यू? समवेयर आई हैव सीन यू डा। या इट्स सम शूटिंग इज गोइंग। या वी शूटिंग यस। सो व्हाट डा, यू लुक एट मी, ओके हाउ आर यू? आई एम पापा। थैंक यू सो मच। Take care. Disturb कर रहा हूँ? नहीं, no, we'll just carry on. After you leave, we'll carry on. No problem. And talk to me before you could go. Okay, we'll do that. Ready? तो कह रहे disturb कर रहा भाई, पक्का कर रहे, पूछ नहीं क्या बात है? नहीं नहीं, पर मैं ये तो बताने भूल गया कि जो उन्होंने hug किया मेरे को, तो जो महक आई चश्मे से पता लग गया, चश्मे से पता लग गया, मैं समझ गया मैं, वरना बंदे में अगर बंदा सूफी होता है ना, बंदा ऐसे नहीं आता। हाँ।
बंदा बिल्कुल चांस ही नहीं है। बंदा जब पी गया तो कह रहा भाई मैं ही सब कुछ हूँ अपना। मैंने कहा आज तू सुबह सुबह शुरू हो गए सर, क्या आज मैं ही हूँ अपना, मैं करूँगा जो करूँगा। अच्छा एक सेकंड के लिए मैं डर गया था कि पप्पी ना मिले, मुझे लगा कि मतलब बचपन की याद नहीं मिल जाते। अरे अरे यार कैसे, मतलब इतने सालों के बाद याद नहीं मिल गया, शायद मेरे पुराने अंकल या कोई है। मुझे भी ऐसा लगा, मतलब आप जानते हो। मैं नहीं जानता, ये प्रॉब्लम है। इन्होंने किया असली ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, ठीक है, लगा के दो चार। जो एक साल पहले यूजी था ना, अब टोटली चेंज। तो एक साल पहले वाला यूजी कौन था? फर्क नहीं पड़ता था, डाइट वगैरह, जिम वगैरह, आई डोंट गो। पर लेकिन आई थिंक इट्स लाइक विराट भैया इंस्पायर मी अ लॉट। एक फ्रीडम होती है ना, मतलब लाइक इवन ऑन अ फील्ड, ऐसे ही पर्सनल लाइफ में दे नो मी वेरी वेल कि मतलब ये ऐसे रहेगा। पर उन्होंने बोला अब थोड़ा लाइफ चेंज हो गई है, कर। एंड यू आर पुटिंग टाइम इन द जिम, यू आर ट्रेनिंग हार्ड। ना आई एम नहीं कर, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से विराट कुछ होता नहीं है ना, वो करता है बस। तो आप उसको देख के शर्म के मारे, देख खुद ही शर्म आ जाती है कि मतलब करना है नहीं करना। तो मैं पहले 7-8 महीने से पहले मेरे को नहीं था, लेकिन अब पता लगा कि हाँ भाई जरूरी है। ग्राउंड में आप अलग दिखते हो। वो तो रहता सोता जिम में ही है, कई बार हो सकता है सोते सोते भी देखेंगे तो बहुत मारेंगे। तो इवन आई एम फीलिंग बेटर, ये नहीं कि चश्मा लग गया तो मैं मैच्योर हो गया। पावर है नहीं चश्मे में, -1 है। अच्छा थोड़ी सी। वो उसमें क्या था ना, इनकम टैक्स अभी ज्वाइन किया है। हाँ। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रूम है। हाँ। अरे यार ये तो बड़े काम का बंदा है यार फिर। हेलो, तो उन्होंने बोला कि मैं फोन करूंगा अगर 1 अप्रैल को, तो थोड़ी मदद कर देना मेरी, ठीक है। तो गया तो मैं कहा पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेंगे। हाँ। तो देने के एक आग बंद, 3 लाइन तो दिख गई, उसके बाद इतना अक्षर मैं कहा लिखे भी हुए नहीं हुए। कह रहे भाई दूसरी घर, मैं कहा नहीं दिख रहे। कह रहे भाई जा बनवा ले। तो साउथ अफ्रीका में मैं पहले लेंसेज ट्राई किए तो लगते नहीं है, तो मैं कहा चश्मा बना दो। पर चश्मा बना के जब उतारते हो थोड़े टाइम में ब्लर दिखता है। जैसे वापस आया 3-4 दिन लेंसेज पे लगा रहा, फिर अब से लेंसेज पहनने स्टार्ट तो कंफर्टेबल। थोड़े से कुड वी गेट, यस थैंक यू। देखो भाई क्या खाओगे, कुछ खाना भी चाहिए। बटर चिकन, गार्लिक नान का, ये तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बटर चिकन एक टाइम तो बनता है ना, मत पड़ा हुआ ये रटा हुआ है। पिज्जा मंगाए क्या? क्या है ना, समय समय जो पिज्जा खाने का मजा है। कौन सा वाला? आई विल ईट एनीथिंग, एक्स्ट्रा ऑनियन विद द ग्रीन चिली एंड मिंट चटनी। डन, सो वी विल हैव दैट। हु वाज योर क्रिकेटिंग हीरो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? शेन वॉन। शेन वॉन, शेन वॉन। वेल लाइक पहले मेरा एक्शन वैसा था, अंडर 14 वगैरह करके, तो मैंने किया कि यार इस एक्शन में थोड़ा छोटा गिरता है। तो मेरे हरियाणा के 19 मैचेस चल रहे थे, तो मैंने ऐसे बोल डाला, तो मैंने सबको देखा, इवन पीयूष चावला भी है वगैरह, मैं भाग के जाते हैं तो मतलब स्पिन कम होगा लेकिन एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मैंने बीच में ही चेंज कर दिया, मैचेस के बीच में ही। लोग कहते हैं चेंज मत करो, मैंने बीच में चेंज किया। नेक्स्ट मैच आई गॉट 5 विकेट्स। जो मेरा शॉट गिरता था कट वगैरह वो बंद हो गया, तो उससे एकदम से मैंने चेंज किया, और आई थिंक मेरा बेस्ट डिसीजन था वो। तो ये इज दैट द सीक्रेट ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मेंस, कि आप कहीं पे ओवर थिंक नहीं कर रहे उसको? नहीं, मैं नहीं करता, मैं कभी, क्योंकि आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। और ना अब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे वो चेस ने वो चीज़ दी है, क्योंकि आप पेशेंस रहते हो। अगर मैं चेस खेल रहा हूँ तो 4 घंटे मैं ऐसे बैठा हूँ, ना मुझे किसी से बात करनी है ना कुछ करना, जैसे वो पेशेंस। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन का असली फॉर्मूला। अच्छा, तो 4 घंटे चेस में ऐसे बैठना और बात ना करना तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो मतलब आशीष नेहरा वुड मेक अ वेरी गुड चेस प्लेयर। आशीष भैया को निकाल देंगे पहले मूव के बाद ही। आशीष भैया उसे कहते हैं, अबे तुझे ये चलनी थी, क्या कर रहा है, अबे तुझे ये कर रहा था, क्या कर, तू उस टाइम पे ना ये करता था। बट इज समझ नहीं आता। हां, बट इज गुड इज इन आरसीबी, गुड फॉर इंडियन प्लेयर्स, यू नो, लाइक जिसका पहला साल है वो बेचारा
थोड़ा हिचकिचाएगा डैन विटोरी से बात करने के लिए, विराट भैया से बात करने के लिए, एटलीस्ट आपके पास बनता है उसको जाके कुछ भी बोल दो, वो आएगा आपके पास. हाँ, हाँ, आपको जाने की जरूरत हाँ, भी नहीं वो है. आपको कंफर्टेबल इतना कर देते हैं, लेकिन इट्स अ गुड थिंग. लाइक आप जितने भी आप देखोगे, नवदीप सैनी, कुलवंत बेचारा, उसको मतलब एक बंदा है आपके पास, दे विल फील अलोन कि मतलब क्या बात करें यार, डैन विटोरी से मैं क्या बात करूँ, इससे मैं क्या बात करूँ. Do you remember India debut? हाँ. वो रात कैसी गई और वो दिन कैसा था? मेरे को जो हुआ कि मुझे पर्पल कैप मिला, रायपुर में थे, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे टीम अनाउंस ऐसा कुछ होना, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे पर्पल कैप मिला, हमारे सैंडी भी है टीम एनलिस्ट, तो उन्होंने बोला कि रात को अच्छा लगा, पार्टी हुआ, तो उन्होंने बोला कि टीम अनाउंस होने वाला है. कोई मुझे नहीं था क्योंकि मैं 2 साल पहले अच्छा परफॉर्म किया था IPL में, पर नहीं मिला था, तो आई वाज चिल आउट. कोई सोचना ही नहीं है, फालतू को टेंशन नहीं देना है. BCI की साइड पे नाम आया, वो पेपर आया था पूरा, तो 16 नाम मेरा था. तो मैंने चेक किया, मैंने ऊपर पूरा पढ़ा कि भाई ये बॉम्बे का एड्रेस, ये BCI का लोगो, ये करके फिर मैं BCI के उस पर गया. तो दैट मोमेंट लाइक सीरियसली लाइक आई क्राइड अ लॉट दैट टाइम, लाइक यू नो. और उसको देखता रहा मैं, आधा घंटा हो गया, किसी का फ़ोन आ रहा है, विश कर रहा, लेकिन वो पेपर मेरे सामने ऐसे था. लाइक अमेजिंग फीलिंग. और जिस दिन वो जर्सी पहना ना, लाइक वो आप ट्रैवल करते हो तो आपके रूम में आता है, एंड इवन दैट डे मैं ऐसे पहन के मैं खड़ा हूँ पूरा ऐसे करके, मैं कहा ये फिट ये करके पूरा जब वो स्टार यहाँ लगा ना, वो एक यू कांट इवन डिस्क्राइब दैट फीलिंग. लाइक खूब एंगल देखे, पूरा एंगल करके, ये जूते से लेके पूरा करके मैं पूरा ऐसे शीशे के आगे खड़ा था भाई, वही हाँ ये इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, ये मिल गए. और कैप जब मिली पहली बार? कैप मुझे वनडे की मिली थी माई भाई के उससे, लेजेंड, लाइक फर्स्ट टाइम मेरी तो आवाज कोई निकलने को चांस ही नहीं. और मतलब यंगस्टर्स ऐसे बात करते हैं कि पता ही नहीं लगता माई भाई है. मैं जिस जिम्बाब्वे में पहली बार मिला, मैं कहा माही सर दो और मेरे को बोलते हैं, कह रहे इधर, कह रहा माही धोनी, महेंद्र सिंह धोनी या भाई, तेरे को जो बोलना बोल दे. मैं कहा ठीक है सर, कह रहा तू चला जा, फिर से नहीं होगा. मैं कहा ठीक है भैया. फिर अभी वो लाइक, सो हु आर योर क्लोज फ्रेंड्स इन द टीम, हु डू यू लाइक हैंगिंग विद द मोस्ट, इंडिया टीम में? इंडियन टीम में मोस्टली रोहित भैया देयर, हां, इज अ लेजेंड एंड ऑल, बट व्हेन इज विद अस, आपको लगता है आपका दोस्ती है? या इज अ, मतलब जिस हिसाब से बात करते हैं, लाइक यू कैन डू हिज इमिटेशन, आई नो, या लाइक जो वर्डिंग निकलती है कई बार, आपको लगता है यार जो मेरा डेब्यू करवाया रोहित भैया MI में, रिकी पॉन्डिंग सर थे, तो उनका अच्छा नहीं जा रहा था, तो कोलकाता में हम थे, तो उन्होंने मेरे पास, मैं रूम में गए, तो वो कह रहे नाउ आई एम द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, कह रहे उनको रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इज नॉट परफॉर्मिंग एंड ऑल, कह रहे तू खेल रहा आज मैच में, भज्जी पे आए हैं, ओजा भी आए हैं, कह रहा तू खेल रहा है, उन्होंने मेरे को बोल दिया, कह रहे तू खेल रहा है, तू खेलेगा. क्योंकि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ ऐसी है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ रोहिता शर्मा. रोहिता शर्मा. क्यों रोहिता शर्मा? वो कहानी बोलूंगा तो कोई बंदा मुझे मार देगा. नाम का लोग कितना भरता बनाते हैं? पूरा नाम किसी को आदत पढ़ना भी नहीं आता. एक तो जब से यहाँ से खेलना स्टार्ट किया, चहल का चाहल हो गया. लाइक माय डैड वाज लाइक वेरी पॉसेसिव अबाउट माय नेम. टेल देम योर नेम इज चहल, नो चाहल. मैं कहा ठीक है, क्यों नहीं बोलता उन्हें? मैं कहा मैं क्या बोलूं भाई. प्यार से जो बुला दें लोग, यूज़ ही चलता है. युजवेंद्रा बोलूंगा तो आधों को स्पेलिंग नहीं आती. करेक्ट भाई, यूज़ी बहुत है. पर है, इट्स एन अनयूजुअल नेम. कभी नहीं किसी ने सुना पहले से. उनके लिए था, अपने एक प्लेयर थे जिन्होंने 7 कैचे पकड़ी थी, उनका यजुवेंद्र था. यजुवेंद्र, ये बताएंगे. तो डैड यजुवेंद्र, डैड ने उनके ऊपर मेरा नाम रखा. पहले मेरा था युजवेंद्र, फिर डैड ने चेंज कर दिया युजवेंद्रा, तो मेरा युजवेंद्र है. और आई एम सो ग्लैड कि जब मैंने 6 विकेट लिया, उनका मेरे को मैसेज भी आया. पर्सनली उन्होंने कहीं से नंबर लिया होगा, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, आई एम सो हैप्पी कि आपके डैड ने मेरे ऊपर आपका नाम रखा, नाउ आई एम फीलिंग सो प्राउड. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल एंड दैट्स अ ग्रेट फीलिंग. तालू मिर्ची थोड़ी सी.
मैं तो तीखा खाता ही हूँ, तो मैं हरी मिर्च भी खा जाऊँगा इसके साथ। सर हमेशा मेरा ऑनियंस, ग्रीन चिली और मिंट चटनी मेरे को खाने का चाहिए, वरना मेरे को खाने में टेस्ट ही नहीं आता। तो डू यू हैव द बटर चिकन बिकॉज यू लाइक द अनियन एंड द मिंट चटनी? नो नो, आई लाइक टेस्ट, लाइक स्पेशली आई एम नॉट अ चिकन पीस और समथिंग, आई लव द करी टेस्ट। दिल्ली में कहाँ पे अच्छा लगता है बटर चिकन? दिल्ली में मेरे को स्ट्रीट फूड पसंद है, अच्छा सा ढाबा हो स्पेशली दाल तड़का, और मेरे को अपने छोले कुलचे। अरे वाह, अच्छा कुलचे, भटूरे नहीं? भटूरे नहीं भैया, छोले कुलचे जो अपने पे लगते हैं पतीले में, पतीले वाले, और उसके बाद छोले कुलचे। ओह अरे मैं हमेशा मिस करता हूँ। वो ठंडे वाले होते हैं ना चने, वो ठंडे नहीं, वो गरम करते हैं। अच्छा जो गरम वाले होते हैं, गरम भी करते हैं, गरम भी करते हैं और एक ठंडे भी होते हैं, वो आपके वो कुलचे गरम करते हैं उस पे। हाँ। और उसके बाद प्याज और पतली सी हरी मिर्च, वो बेस्ट है। और पानी पूरी, बॉम्बे वाली पानी पूरी अपने अपने वहाँ गोलगप्पे, गोलगप्पे और कलकत्ते में पुचके। मतलब अच्छा, ये चीजें। और मेरे को सुरेश ने बताया कि यूपी में, लखनऊ में क्या है, पानी के बतासे। पानी के बतासे, हाँ पानी के बतासे, वहाँ भी नाम है उसका। मैं बता, मेरे को ये चीज बहुत मतलब पसंद है, मतलब मैं I'm not tired of being hotel. What is breakfast for you usually? वो क्या होता है? वो जो सुबह खाया जाता है, जिसमें हम खा रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ सुबह से खाने की। पर सिस्टम स्टार्ट होने में टाइम लगता है भैया, ये बहुत ही गलत सिस्टम चल रहा है। पर सब समझ जाते हैं, आई थिंक आईपीएल के दौरान सब समझ जाते हैं। क्रिस गेल को देख लो, वो तो सुबह सोता है या दो बजे जिम कर रहा होता है या। पर आई थिंक इज अ अमेजिंग गाय मैन। आई थिंक आईपीएल ने एक चीज चेंज कर दी है, इवन ऑस्ट्रेलियन भी चेंज हो गए या। मतलब पहले आप देखा इतना एटीट्यूड वगैरह एंड ऑल, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज विद Symonds. हाँ, तो ये Andrew Symonds and your friendship, इसका क्या है, ये क्या सिचुएशन है? We are very मैंने बड़ी फोटो वोटो देखी है। We are very close, like 2011 में डेब्यू विद एम आई, तो वो भी थे करके, जिसमें 7 साल रूम था कैंप में। तो कह रहे चलो नीचे चलते, तो बैठे साथ करके वापस आए रूम पे। नेक्स्ट डे कहीं से उसने ग्रुप से नंबर निकाला, मैसेज आ गया, वे आर यू? आई एम इन माई रूम, Let's go outside. Yeah. Okay. एक तो वहाँ से एक ऐसा बॉन्डिंग मिल गया। Yeah. You can't believe, मतलब मुझे अभी भी उनकी वाइफ से और उनके हमेशा फ़ोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। और व्हेन आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई लव टू गो फिशिंग विद हिम। Yeah. And they call me apples. Apples. Because of my biceps. apples. They never call me Yuzi or whatever. Only apples. And उनकी वाइफ ने बटर चिकन बनाना सीखा। अरे वाह। बटर चिकन की पता नहीं कहाँ से क्या रेसिपी देखी कर कर करके, मैं जब उससे मिलने गया मेरे लिए बटर चिकन वहाँ पे था। अरे वाह, ही इज आल्सो वेरी मिसअंडरस्टूड नो? या आई एम सीरियसली, आई एम टेलिंग, या वेरी एरोगेंट, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अपने पता क्या होता है, आप किसी को जानते नहीं हो ना, आप बोल दोगे अरे यार ये वैसा है वैसा है, फिर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तभी आपको पता लगेगा। एक मीटिंग में मैं आपका कैसा हूँ, कितना अच्छा हूँ, मैं शो ऑफ कर दूंगा। हाँ। आपको क्या यार यूजी ने क्या बात करी यार, अगर पीछे से मैं आपको 10 गालियाँ दे दूं। हाँ। क्या फ़र्क पड़ रहा है, 7 साल हो गए, मैं उसको अभी भी मैसेज में कुछ गाली लिख के भेज दूंगा ना। हाँ। अच्छा रिप्लाई आएगा। हाँ। जम के जम के। अभी भी मैं फ़ोन कर दूंगा, फ़ोन नहीं हुआ वापस कॉल बैक आ जाएगा। या। नहीं तो अपने बच्चों के साथ वीडियो मुझे भेजता रहता है, मेरे साथ हरियाणवी रागनी में डांस भी किया है, मतलब इतना चिल्लो। अच्छा तो बिफोर वी रैप अप, शादी वादी का क्या प्लान है? मैं भी बन गया चाचा। गुड क्वेश्चन। नहीं मैं कह रहा हूँ, पापा बात करो, पापा बात करो। नहीं मैं कह रहा हूँ, शादी जब होगी तब होगी, खाना क्या होगा उसमें? तो बटर चिकन मैं बता तो रहा हूँ, मैं फेरे हो रहा हूँ, बटर चिकन खा रहा हूँ, मैं खिला दे यार। हो ही जाता है, कभी कभी फेरों में 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2 बारी ड्रिंक्स ब्रेक लेनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ फेरों में हो जाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। दोनों दीदी की शादी एक दिन थी। अच्छा सेम डे। हाँ तो मैं रणजी ट्रॉफी दिल्ली से खेल के पहुँचा ही था एक रात पहले। हाँ। और मुझे बताया कब गया, जब सब कुछ कंफर्म हो गया, डेट पक्की आई, भाई शादी हो गया। तो मतलब पहुँच के उस रात को मेरा ऐसे था, पहले एक दीदी की शादी हुई, दूसरे दीदी की शादी हुई, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे फ्लाइट पकड़ के चेन्नई पहुँचा रणजी ट्रॉफी के लिए। मैं ऐसा था, मैं कहा भैया शादी क्यों करवा रहे हो यार, मतलब एक बार आ गई और लड़की वालों की साइड से इन इंडिया यू हैव टू लाइक दिस ओनली।
मैं कह रहा हूँ योर पेरेंट्स बड़े भारी जिगरा है भैया, दो शादियां करनी एक दिन में, पैसे बचा लिए मेरे को लग रहा है कि आशु जितनी तालियां भी इस शो में हो गई हैं। बिल्कुल भैया, वो बेस्ट था आशु भैया वाली। आशु भैया बोले दे ताली, प्यार से मत प्यार दे ताली। I will, yes. So, इधर ही आ जा, पट पे बिठा के इंटरव्यू आपका आज। पट पे मुझे लग रहा था शायद कि ऐसे ना गोदी में। I also want to play। मैं भी सोचा, मेरे को लगा आप बहुत अच्छे जानते हो, वरना इतनी हिम्मत ना हो बंदे की। मैं कह रहा हूँ हमको हमारे शो में ना कुछ प्लान ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऐसी चीजें बस होती रहती है। नेचुरल है अपना, अपने आप ही हो जाती है। कोई ग्लास गिरा देगा, कोई कुछ तोड़ देगा, कोई दरवाजे के अंदर घुस जाएगा, अपने आप ही हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ये बटन दबाएं BWC वाला और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर भी बटन दबाएं, क्योंकि एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। थैंक यू।